नमस्कार, आज तक एआई में आपका स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर सना। मैं आपको दुनिया भर की खबरों से रूबरू कराऊंगी। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रिंस हैरी ने कोर्ट में कहा है कि उन्होंने एक समाचार पत्र पर मुकदमा इसलिए किया है क्योंकि वो उन्हें और उनकी पत्नी को लेकर नफरत फैला रहा है। प्रिंस हैरी मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर्स के खिलाफ फोन हैकिंग सहित कथित अवैध खबरों को लेकर कोर्ट में सबूत दे रहे थे। यह मामला 1996 और 2011 के बीच प्रकाशित 33 लेखों के इर्द गिर्द घूमता है जिन पर प्रिंस हैरी का आरोप है कि वे फोन हैकिंग या सूचना प्राप्त करने के अन्य अवैध तरीकों पर आधारित थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा हुए खतरे से निपटने में ब्रिटेन दुनिया की अगुवाई करेगा। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये बताएंगे। सुनक बतौर पीएम अमेरिका की यात्रा पर है और वो जल्द बाइडेन से मुलाकात करेंगे। वो बताएंगे कि ब्रिटेन एआई से पैदा हुए जोखिम पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। सुनक बीते कुछ दिन से एआई को रेगुलेट करने की बात कह रहे हैं। भारत सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी कि अगले हफ्ते दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को यूके की आधिकारिक यात्रा के लिए मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने कहा कि प्रस्ताव आर्थिक मामलों के विभाग को आगे की मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिस पर कार्रवाई भी की जाएगी और मंत्री वीजा परमिट के लिए आवेदन कर सकती है। गुरुवार को चीन के 37 सैन्य विमानों के ताइवान की सीमा में प्रवेश करने की खबरों के बाद ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में देखता है। चीन ने पिछले 3 वर्षों में कई बार अपने लड़ाकू जहाजों को ताइवान की सीमा के नजदीक उड़ाया है। कनाडा के जंगलों में लगी आग ने अमेरिका पर भी असर किया है। अमेरिका का पूर्वी तट धुएं से भर गया है। अमेरिका में पूर्व तट के किनारे बने स्कूलों में बाहरी गतिविधि पूरी तरह रोक दी गई है। यहां एयरलाइन ट्रैफिक धीमा हो गया है। लाखों अमेरिकियों से घर के अंदर रहने को कहा गया है। रूस के सुदूर मगदान इलाके में फंसे एयर इंडिया के 232 यात्रियों को लेकर विमान अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को रवाना हो गया है। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आने के चलते मंगलवार 6 जून को रूस के मगदान में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इसके बाद गुरुवार सुबह मुंबई से आए एक दूसरे विमान ने यात्रियों को लेकर सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी। एयर इंडिया ने पहले ही ये बता दिया था कि नया प्लेन मगदान में फंसे सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को लेकर 8 जून को सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरेगा।